बजरंग मेला समिति आगरा के तत्वाधान में मेले का आयोजन हुआ। मेलनगंज फाटक सूरजभान में 74वां हरियाली तीज महोत्सव का मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस मेले का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की पत्नी मधु बघेल और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की पत्नी प्रीति उपाध्याय के द्वारा राधा स्वरूप बालिका को झूला झूला कर किया गया। वहीं मेला आयोजन के इस अवसर पर पूर्व पार्षद दीपक खरे, मेला अध्यक्ष दीपक ढल, पार्षद अनुराग चतुर्वेदी एवं मेहंदी प्रतियोगिता का निर्णायक मंडल पूनम वाष्णेय, प्रतिमा भार्गव एवं भाजपा नेत्री कविता पाठक व संगीता के विशेष रूप से उपस्थित रहे। मेला आयोजक के दौरान मेला समिति द्वारा जूनियर व सीनियर वर्ग में बालिकाओं की मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जूनियर व सीनियर वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिता कार्यक्रम की व्यवस्था रीता सिंघल एवं रुचि अग्रवाल ने संभाली। मेले के उद्घाटन के बाद शहर की हजारों बहन बेटियों का आना शुरू हो गया। फाटक स्थित प्राचीन मंदिर हनुमान जी एवं भोलेनाथ के मंदिर में आकर्षक फूल बंगला सजाया गया। सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा कि आज जो बादल जिस तरह से ऊपर घुमड़ रहे हैं, इस बीच में इस मेले का उद्घाटन निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुआ और उद्घाटन भी हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी की धर्मपत्नी मधु बघेल जी द्वारा और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगेंद्र उपाध्याय की धर्मपत्नी प्रीति उपाध्याय द्वारा यहाँ संपन्न हुआ है। ये मेला पिछले 73 वर्षों से लग रहा है, 74वां वर्ष है इस मेले का और मैं समझता हूँ कि अब मेला ये प्रारंभ हो गया उद्घाटन के बाद, अब हजारों की संख्या में बहन बेटियाँ इस मेले के अंदर पर आएंगी, घूमेंगी, झूलेंगी और पूरा मनोरंजन इस मेले का आनंद उठाएंगी। ये मेला रात्रि के 11 बजे हमारे उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के द्वारा इसका समापन होगा और सावन में मल्हार गाती हुई महिलाएं और बहनें उस परंपरा को जीवंत करने के लिए बेलंगंज में अनवरत 75 सालों से हरियाली तीज का मेला फाटक सूरजभान में मनाया जाता है। इसी निमित्त आज भी हरियाली तीज के उपलक्ष्य में फाटक सूरजभान में हरियाली तीज का मेला मनाया जा रहा है और ये हिंदू रीति रिवाज और हिंदू परंपराओं का अक्षुण रखने का एक प्रयास है। रात्रि 10:30 बजे मेले का समापन एवं पुरस्कार वितरण आगरा उत्तर के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर समूचे बेलनगंज फाटक सूरजभान में आकर्षक विद्युत सजावट की गई। देर रात तक मेले स्थल पर हजारों महिलाओं की उपस्थिति रही, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मेले की व्यवस्था में देखने को मिली। मेले का संपूर्ण संचालन मणि टेंट के स्वामी दिनेश गर्ग ने संभाला। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। बहुत प्राचीन मेला है, 75-74 वर्ष पुराना प्राचीन मेला है हरियाली तीज का और हमारे आयोजक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और टोरेंट, सभी बिजली विभाग, सभी के लोगों का पूर्ण सहयोग रहता है और यह मेला हमारी बहन बेटियों का त्यौहार है और यहाँ बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है और सभी परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हरियाली तीज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 77वां हरियाली तीज मेला फाटक सूरजभान में लगा है, जिसका कि उद्घाटन प्रीति उपाध्याय जी, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी की धर्मपत्नी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी की धर्मपत्नी मधु बघेल जी द्वारा किया गया। मेला में अब सैकड़ों की संख्याओं में महिलाएं भाग लेंगी और झूला झूलकर बाबा भोलेनाथ के और हनुमान जी के दर्शन करेंगी। हरियाली तीज खुशहाली का त्यौहार है, माँ पार्वती भगवान शिव का ये त्यौहार है और इनका मिलन हुआ था माँ पार्वती और भगवान शिव का। भगवान शिव की पूजा होती है और जैसे कि माँ पार्वती को प्रकृति का रूप मानते हैं तो वो खुश होकर चारों तरफ अपनी छटा बिखेरती हैं, हरियाली हरियाली, तो इसीलिए हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। चारों तरफ खुशहाली होती है, ये खुशहाली और समृद्धि और सुखी का त्यौहार है। जिस तरह से चारों तरफ हरियाली होती है, इसी तरह वो चाहती हैं कि हर किसी के जीवन में खुशहाली रहे। महान फाटक में 74वां मेला का उद्घाटन हुआ है, हमें बहुत खुशी है कि हमारी पौराणिक परंपराओं को इन्होंने ताज़ा रखा है और ये ऐसे मेले बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो संस्कृति जो पीछे छूटती जा रही है आगे आने वाली पीढ़ी को हम परोस के दे रहे हैं और ये माँ पार्वती का जो 108वां मिलन हुआ है हरियाली तीज वाले दिन,
तो ये अखंड सौभाग्य का व्रत है और सब हमारी सौभाग्यवती महिलाओं पूर्ण अखंड सौभाग्य रहें और खूब हरियाली खुशी रहे। ये बहुत प्राचीन मेला है, काफ़ी सालों से विगत काफ़ी वर्षों से लगता आ रहा है। ये 74वां मेला है, बहुत सुंदर मेला है, बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। और यहाँ का सबसे अच्छा आयोजन मुझे लगा कि जो झूला और पट्टी डाली गई, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और लोग घर पर ही झूले डालकर रहते हैं, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। बेटियों ने मेहंदी लगाई, मेहंदी जैसा कि आप जानते हैं सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है, और आज मेहंदी का महत्व तो विशेष बढ़ जाता है। हरियाली तीज पर माँ पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके मिलन का सौहार्द का ये त्यौहार है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन, मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ दीपक खरे भैया को, यहाँ की मेला समिति के सभी लोगों को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और भविष्य में भी ऐसे अच्छे अच्छे आयोजन होते रहें।